नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के बीच दूसरी बार मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। इस बार भी बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ही DLED में होंगे एडमिशन। स्कॉलरशिप के लिए राज्य सरकार ने 13 करोड़ रुपए किए जारी। राज्य के 96 डिग्री कॉलेजों पर होगी प्राथमिकी दर्ज। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बहाली की लिस्ट हुई जारी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। स्कॉलरशिप के लिए राज्य सरकार ने 13 करोड़ रुपए किए जारी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को जल्द ही छात्रवृत्ति के पैसे मिलेंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने समग्र स्कीम के तहत इस मद के लिए 13,45,33,800 रुपए जारी किए हैं। इस राशि से राजकीयकृत विद्यालयों, अनुदान प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के अलावे अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के तौर पर रुपए दिए जाने हैं। इसके अलावे विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत शिक्षकों के वेतन मद में करीब 260 करोड़ रुपए को भी जारी किया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से राशि की भागीदारी है। साथ ही साथ अब मिड डे मील के लिए नई व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक अब जिला से विद्यालय स्तर तक संचालित सेविंग बैंक अकाउंट के जरिए लेन देन होगी, जबकि पुरानी व्यवस्था में बैंक के जरिए भुगतान किया जाता था। कोरोना महामारी के बीच दूसरी बार मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। ऐसा दूसरी बार है जब सभी पर्व त्योहार कोरोना काल और गाइडलाइंस के बीच मनाए जा रहे हैं। देश भर में आज मुस्लिम धर्मावलंबियों का खास त्योहार बकरीद भी इस साल सुरक्षा मानकों के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इस बीच जश्न और खुशी में कोई कमी नहीं देखी गई है। सुबह से ही लोग अपने अपने परिवारों के साथ घरों में इबादत और व्यंजन पकवानों के साथ पर्व को मना रहे हैं। हालांकि कोविड गाइडलाइंस के तहत बिहार सरकार ने ईदगाह व अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए लोगों ने घरों पर नमाज अदा की। राज्य के सभी जिलों में वहां के प्रशासन ने सुरक्षा के सभी इंतजाम किए और सभी थानाध्यक्षों को गश्ती करने के आदेश दिए गए, ताकि शांति व्यवस्था के बीच लोग त्योहार का आनंद ले सके। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के आदेश पर 19 जिलों में अतिरिक्त बलों की भी तैनाती की गई। हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक क्षेत्र वाले दो पहाड़ों के खनन पर लगाई रोक। बिहार में दो ऐतिहासिक और धार्मिक पहाड़ों की तलहटी में खनन करने का ठेका राज्य सरकार के खनन व भूतत्व विभाग ने दिया था, जिसे रोकने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल नवादा और रजौली में स्थित याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ियों में खनन का ठेका सरकार ने निकाला था, मगर इन पहाड़ियों का इलाके में धार्मिक महत्व है। साथ ही इन पहाड़ों की गुफाओं में भित्ति चित्र और अनेक प्रकार की कलाकृतियां हैं। ऐसे में इन्हें राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर संरक्षण देने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने फिलहाल खनन पर रोक लगा दिया है और सरकार से ठेका देने के बारे में सवाल पूछे हैं। मामले में अगली सुनवाई अब 4 सप्ताह के बाद की जाएगी। मंत्री के आवास से चोरों ने उड़ाए लाखों रुपए। बिहार की राजधानी पटना में VVIP इलाके में बड़ी सेंधमारी का मामला सामने आया है। सेंधमारों ने पूर्व मंत्री व विधानसभा की याचिका समिति के सभापति डॉक्टर प्रेम कुमार के घर से 2,25,000 के करीब रुपए पर हाथ साफ कर लिया। यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से काफी पुख्ता माना जाता है, बावजूद इसके चोरों ने हौसले काफी बुलंद थे। दरअसल पूर्व मंत्री के पड़ोस में खुद बिहार पुलिस के DGP SK सिंघल का आवास है। इसके अलावा 1 किलोमीटर के दायरे में मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के जज, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति, उप मुख्यमंत्री जैसे VVIP के आवास है। बावजूद इसके चोरों ने पुलिसिया और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। हालांकि चोरी की जानकारी 17 जुलाई को ही पुलिस को दे दी गई थी, मगर बदनामी के डर से पुलिस ने इस मामले में जानकारी लीक नहीं करने का अनुरोध किया था। हालांकि बाद में कामयाबी नहीं मिलने पर घटना सार्वजनिक हो गई। इस बार भी बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिए ही DLED में होंगे एडमिशन। कोविड काल में उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए इस साल भी बिहार के सभी राजकीय व अराजकीय मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग कॉलेजों में DLED कोर्स में नामांकन बिना प्रवेश परीक्षा के लिए ही होंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि सत्र 2021-23 में DLED कोर्स में नामांकन मार्क्स बेसिस पर लिया जाएगा। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। यह लगातार तीसरी बार है जब बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ही एडमिशन को लिया जा रहा है। अब अगले महीने अगस्त में नामांकन की तारीखों के लिए कैलेंडर को निकाला जाएगा, जिसमें आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। साथ ही आवेदन का शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। बताते चले कि 2 साल के DLED कोर्स में विद्यार्थियों का नामांकन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। नियोजन में अभ्यर्थियों की लिस्ट से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। बिहार में छठे चरण में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी होने के साथ ही नियोजन इकाई द्वारा चुने गए अभ्यर्थियों की लिस्ट को जिले के NIC पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तारीख बीते दिन 20 जुलाई तक ही थी। इस क्रम में शिक्षा विभाग काफी मुस्तैदी से सभी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कड़े लहजे में कहा है कि लिस्ट में अभ्यर्थियों के नाम के साथ अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो ऐसे दोषियों को चिन्हित करके सख्त
सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कल गुरुवार को शिक्षा मंत्री समीक्षा करेंगे। बताते चले कि पहले चरण की काउंसलिंग के माध्यम से क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 के लिए संबंधित नियोजन इकाइयों ने शिक्षकों को सेलेक्ट कर लिया है। लिस्ट में नाम, कोटि, मेधा अंक, विषय और क्षैतिज आरक्षण दिखाना अनिवार्य था। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बहाली की लिस्ट हुई जारी। बिहार में छठे चरण के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नियोजन की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। यह लिस्ट प्रथम चरण के काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों की है, जिसमें से 15,836 कैंडिडेट्स चयनित हुए हैं। शिक्षा विभाग की वेबसाइट NIC वेबसाइट पर नियोजन इकाईवार सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट को अपलोड किया गया है, जिन्हें उनके सब्जेक्ट वाइज आरक्षण श्रेणी और मेरिट नंबर के साथ जारी किया गया है। बता दें कि इस लिस्ट को हर जिले के NIC वेबसाइट पर डाला गया है, जिसमें 5 से 12 जुलाई के बीच हुए काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के नाम है। इस बार विषयवार कट ऑफ जारी किया गया है। सबसे ज्यादा कट ऑफ गणित और विज्ञान विषय के हैं। अब अगले चरण की काउंसलिंग अगस्त महीने में की जानी है। राजकीय 96 डिग्री कॉलेजों पर होगी प्राथमिकी दर्ज। बिहार के 96 डिग्री कॉलेज पर सरकारी आदेश का अवहेलना करना महंगा पड़ेगा। इन कॉलेज पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश सरकार ने दिए हैं। दरअसल सरकारी कॉलेज को सरकार की तरफ से अनुदान की राशि मिलती है। इनमें से 8 यूनिवर्सिटी के 122 डिग्री कॉलेजों ने बीते 3 सालों से अनुदान में मिले करोड़ों रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। सरकार ने इन सभी कॉलेज को उपयोगिता प्रमाण पत्र को देने को कहा था, जिसमें से 26 डिग्री कॉलेज ने अनुदान का हिसाब देने के लिए सरकार से समय मांगा है, लेकिन 96 डिग्री कॉलेज की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद शिक्षा विभाग वित्तीय गड़बड़ी की आशंका से इन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे चुकी है। साथ ही विभाग ने सभी कुलपतियों को आदेश दिया है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए ऐसे डिग्री कॉलेजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। बताते चले कि मामले में मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिश्रा मिथिला विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय के कुलपतियों की लापरवाही सामने आई है। 24 जुलाई को मुख्यमंत्री मुंगेर को देंगे सौगात। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मुंगेर का दौरा 24 जुलाई को करने वाले हैं। जानकारों की माने तो उनका यह दौरा मुंगेर वासियों के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद 24 जुलाई को कोविड सेंटर में बनाए गए 2 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं। इसको लेकर बीते दिन जिलाधिकारी नवीन कुमार ने ITC के सहयोग से डेडिकेटेड कोविड सेंटर GNM परिसर में लगाए गए दोनों प्लांट का निरीक्षण कर लिया है। इसके तहत अब ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने के साथ ही 100 बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। वहीं दोनों प्लांट से 500 प्रति मिनट लिक्विड ऑक्सीजन आपूर्ति की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह 350 और 150 LPM क्षमता के अलग अलग 2 आपूर्ति प्लांट है, जिसके निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। यूपी में मुकेश सहनी खेलेंगे फूलन देवी के नाम पर दाव। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है। वहीं चुनाव को लेकर बिहार में भी तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार के भी लगभग सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी फूलन देवी के नाम पर यूपी की सियासत में उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश में जुट गए हैं, जिसके तहत ही अब 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के 1.5 दर्जन से अधिक प्रमंडल में उनकी मूर्ति लगवाने वाले हैं। साथ ही सहनी अपने सरकारी आवास पर फूलन देवी की प्रतिमा भी बनवाने वाले हैं, जिसके बाद वो यूपी के रास्ते दिल्ली तक जाएंगे। वहीं इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग फूलन देवी को मानने वाले हैं। फूलन देवी अभी जिंदा रहती तो भारत की राजनीति की दिशा आज दूसरी होती। तेजस्वी यादव ने फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार को घेरा। देशभर में पेगासस स्पाईवेयर और उसके जरिए फोन टैपिंग करवाने का विवाद गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार पर कथित तौर पर बड़े नेताओं, पत्रकारों, संवैधानिक पदों के अधिकारियों, उद्योगपतियों इत्यादि के फोन की जासूसी करवाए जाने के आरोप विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एंट्री ले ली है। फोन टैपिंग मामले में तेजस्वी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार बेडरूम तक पहुंच गई है, इससे बुरा क्या हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी की जिंदगी में दखल देना और फोन टैपिंग कराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक है। तेजस्वी ने साथ ही सरकार से इन आरोपों का जवाब देने की मांग की है। नरेंद्र मोदी ने राजद को बताया एक परिवार पर केंद्रित पार्टी। बिहार की राजनीति में लालू यादव और उनकी पार्टी RJD मुख्य विपक्षी दल है। हालांकि इसके अध्यक्ष पद को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है और उसे एक परिवार पर केंद्रित रहने वाली पार्टी करार दिया है। सुशील मोदी ने बीते दिन एक ट्वीट में लिखा कि लालू परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बन सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर शीर्ष पद पर किसी दूसरे को काबिज कर भी दिया जाए तो वह केवल मुखौटा होगा। इसके अलावा कहा कि राजद में ना ही आंतरिक लोकतंत्र है और ना ही इस दल का वास्ता किसानों मजदूरों से है। उन्होंने RJD को काम के बदले जमीन लिखवाने वाली पार्टी करार दिया। चाहर ने कोच द्रविड़ को दिया जीत का श्रेय। बीते दिन श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबले को 3 विकेट से अपने नाम कर टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाकर सीरीज को अपने नाम कर लिया है। हालांकि इस
मुकाबले में भारत की जीत के हीरो दीपक चाहर रहे, जिन्होंने 69 रन की नाबाद पारी खेली। लेकिन खुद को श्रेय ना देकर दीपक चाहर ने अपनी कामयाबी का श्रेय कोच राहुल द्रविड़ को दिया है। दीपक चाहर का कहना है कि वह राहुल द्रविड़ के विश्वास के कारण ही टीम इंडिया को जीत दिला पाए। उन्होंने कहा कि देश के लिए मैच जीतने से बड़ी बात कोई नहीं है। दीपक चाहर ने आगे कहा कि राहुल सर ने मुझ पर भरोसा जताया, मैं उनके अंडर में खेला हूं और बल्लेबाजी में मैंने कुछ अच्छी पारियां खेली। राहुल सर ने मुझे कहा कि मैं 7 नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता हूं, इसलिए लक्ष्य 50 तक पहुंचा तो मुझे लगा हम जीत सकते हैं। देशभर में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई पुष्टि। देशभर में कोरोना के दैनिक मामलों में कभी कमी तो कभी वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 42,105 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान मरने वाले की संख्या में इजाफा हुआ है और 3,998 लोगों की जान गई है। इस दौरान कुल 36,977 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देशभर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,07,170 हो गई है। वहीं बाद अगर अपने राज्य बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 82 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 126 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 633 हो गई है। वही रिकवरी दर 98.58% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि बीते दिन श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में किस खिलाड़ी को जीत का श्रेय जाता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज़।